नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्यानंद टीवी। नित्यानंद टीवी में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की, और मैं आपके साथ विनोद कुमार। सदियों से कल कल बहती भागनी नदी अपना असी तत्व खोती जा रही है। इसका एकमात्र कारण है ग्राम पंचायत की उदासीनता, जिसके कारण नगर के लोग घरों का खराब मटेरियल और कचरा नदी में डाल रहे हैं। भागनी नदी पर वास्तव में स्वच्छता की बहुत आवश्यकता है। इसकी गंदगी एवं अतिक्रमण हमने एवं हमारी अनदेखी का ही परिणाम है। हम हमारी लापरवाही के चलते हम नगर की सुंदरता को ही नहीं खो रहे हैं, बल्कि नदियों की सुंदरता को भी खो रहे हैं, क्योंकि यह कुछ लोगों के स्वार्थ की उपयोगी हो गई है। जब तक भागनी नदी पर बाघ प्रिंट के कपड़े धोने पर सख्त प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, तब तक यह नदी केमिकल प्रदूषण से मुक्त नहीं हो सकती। धार से राजेंद्र प्रजापत की खास रिपोर्ट। क्या है दादा, यहाँ का भागनी नदी का जो अभी पूरा प्रदूषित हो गई है, पूरी एक नाले का रूप है। 50 साल से मैं यहाँ नहा धो रहा हूँ, अभी तक यहाँ इतनी बढ़िया व्यवस्था थी। लोग बाग घूमने फिरने आते थे, 5-25 लोग बाग नदी में घूम बैठते उठते थे। गर्मी के दिन में बहुत आनंद लेते थे नदी का। अच्छा, और उसके पहले पानी भी यहीं से पीने का ले जाते थे लोग बाग से। आज यहाँ नदी का हालत यह है कि वहाँ कोई बैठ नहीं सकता, नहा नहीं सकता, कुछ भी नहीं। आज नदी में पानी नहीं है तो आपको स्नान का करना पड़ता है? हैंडपम्प पे मेरे को जाना पड़ता है, हैंडपम्प पे लाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, कितने वर्ष से आप यहाँ पे स्नान करने आ रहे हैं? करीब 40-45 साल से, 40-45 साल से कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके आपने कभी इसको स्वच्छता के लिए आपने भी जैसे झील वीर खोदते थे पानी पीने की व्यवस्था? झीरे वगैरह में गर्मी में सूख जाती थी, इसमें तो झीरे खुदवाता था, कुआ खुदवाता, जेसीबी लगवाता था, जेसीबी लगवा के लोगों को पानी पीने की व्यवस्था करता था, मेरे नहाने की व्यवस्था करता था। तब गर्मी में हर साल ये व्यवस्था करता हूँ। 2-3 साल बीच में पानी नहीं गिरा था, उसमें बड़े बड़े कुएं खुदवा के पानी की व्यवस्था करी थी, नहाने धोने के लिए पीने की सब व्यवस्था करी थी। आगे अभी क्या नदी गंदी हो गई, इसलिए वहाँ तो व्यवस्था बिगड़ गई था। आपके समय में तो नदी के आसपास लोग किनारे पे बैठने आते होंगे, घूमने आते बैठने आते थे, सभी बैठने आते थे, करते थे, सब आनंद लेते थे गर्मी का। अच्छा अच्छा, गर्मी के दिन में 5-10-25 लोग बाग आते थे, मंदिर आते थे, मंदिर में घूमने आते थे, वो सब नदी में बैठते थे। रेती बड़ी बड़ी रेती थी, रेती के अंदर बैठते थे, आनंद लेते थे रेती का। रेती बहुत बढ़िया थी बैठने लायक, ठंडी लगती थी। लोग बाग गर्मी में सब यहीं बैठते थे, नदी में ही बैठते थे। अभी तो नदी ने नाले का रूप ले लिया। नाले का बहुत गंदी आड़ा हो गया, गटर हो गई। नहीं जाते हो आप नदी पे? हम नहीं जाते। अच्छा, अब नदी पे जाने के कैसे होते हैं? क्या नाम है आपका? कैलाश सिंह झाला जी, धन्यवाद। नदी की स्वच्छता के लिए दादा अभी जो सभी लोग और गणमान्य लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए क्या आपका कहना? हमारा सौभाग्य है कि हमारे नगर के लिए भागनी नदी मिली है, और यह नदी हमारे लिए माता के समान है और यह पूजनीय है। पर हमारा यह दुर्भाग्य है कि हम इस पूजनीय नदी को इतनी गंदगी और इसको उद्योग का वो बना रखा है कि ये नदी विलुप्त होती जा रही है। ये इस नदी में हस्तशिल्प का जो काम चलता है वह इस नदी को अतिक्रमण और बाघ प्रिंट का जो काम चलता है वो नदी के जल को केमिकल से प्रदूषित कर रहा है। जिस तरह बाघ प्रिंट के लिए प्रशासन ने एक जमीन आवंटित करी है 5 हेक्टेयर की, इसी तरह 5 हेक्टेयर की और वहाँ बाघ प्रिंट का उद्योग लगा रहे, इसी तरह यहाँ ये जो प्रजापत समाज का जो ईट और दवेलू का उद्योग हो जो इस क्षेत्र में वनवासी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मकान निर्माण के लिए ईंट भी महत्वपूर्ण है, और छत के लिए कवेलू महत्वपूर्ण है। इसी तरह इन प्रजापत समाज को इन ईंट और कवेलू उद्योग के लिए इनको भी सरकारी ज़मीन पर इनको बसाट करके इन्हें सुविधा दी जानी चाहिए। जिस तरह बाघ प्रिंट को सुविधाजनक व्यवस्था कर रहे हैं, इसी तरह प्रजापत समाज को इस बाघ नदी से उठाकर अन्य किसी नदी या तालाब के किनारे इन्हें व्यवस्थित जगह दे के इनको बसा दे, ताकि ये बाघ की जो आन बान शान है, बाघ प्रिंट एवं बाघ हस्तशिल्प का ईट और कवेल उद्योग। ये जो प्रदूषण युक्त नदी अभी माँ भागनी नदी हो चुकी है, इसको प्रदूषण मुक्त कराने के लिए और इस पर जन सहयोग के लिए आपका क्या विचार है? मेरा ऐसा मानना है कि नदी हमारे बाघ के लिए एक जीवन यापन करने के लिए जो स्वरूप पहले था वो वापस हम सब जन सहयोग से और
ग्राम पंचायत के पूरे सहयोग से इसको वापस जीवित करना चाहिए, ताकि बाघ का जो जल स्रोत है वो हमेशा बना रहे और हम सब के लिए ये उपयोगी रहे। इसको सब मिलकर एक मूल रूप वापस वही दे और सबके जीवन में ये काम में आए, ये आने वाली पीढ़ी के लिए ये हमेशा काम में रहे, ऐसा मेरा मानना है। रही बात ईट उद्योग की, तो प्रशासन शासन को ये चाहिए कि वो इन्हें एक 5 हेक्टेयर की जगह उपलब्ध कराए जहाँ पर पानी मिट्टी सब सब युद्ध है और ये ईट उद्योग भी उनका चलता रहे, क्योंकि उनके भी जीवन यापन करने के लिए कि एक ईट उद्योग महत्वपूर्ण है। तो मेरा शासन से भी हमेशा यही रहेगा कि उन्हें एक अच्छी जगह देकर शिफ्ट किया जाए।